मैम, 5-5 फिल्मों को, 5-5 फिल्मों का जो है यहाँ पर भारत हो रहा है, आप जो है किस तरह से देख रहे हैं यूपी का एक बहुत बड़ा इवेंट एक यूरोप में जो है फिल्म के लिए साबित हुआ, क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे में? मैं यही कहूँगी कि भोजपुरी के उत्थान के लिए हम लोग हमेशा ही चाहते थे कि काम करें और अच्छी फिल्में भोजपुरी इंडस्ट्री में बने। कोविड के दर्दनाक समय के बाद एक अच्छा मुकाम वापस आते हुए नज़र आ रहा है, अच्छी फिल्में बन रहे हैं, अच्छे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लखनऊ की धरती पर शूटिंग होने जा रही है, फिल्म सिटी बनने जा रही है, ये सब भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। तो यही चाहूँगी और मनोकामना यही करती हूँ कि अच्छी फिल्में बनाएँ, अच्छे लोग जुड़ें और भोजपुरी भी तेलुगु और बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्मों की तरह अपना नाम करें। थैंक यू। मैम, आप फिल्मों से बहुत दिनों तक आप काफ़ी दूर हो गए के बीच में, तो आप इसका रीज़न क्या है कि आप इतना फिल्म बना लेते हैं? काफ़ी समय काम करने के बाद में थोड़ा रेस्ट ज़रूरी होता है, तो रेस्ट करने के बाद में वापसी हुई है। मुझे लगता है कि इस पर जितनी बात की जाए उतनी कम पड़ेगी। तो कहानी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। यही कहूँगी कि हिंदुत्व को हम मानते हुए आए हैं और उसी में पले बड़े हैं, तो उसका सम्मान बहुत ज़रूरी है, उसको मुकाम मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि आज मिल रहा है। आने वाली फिल्म है जान लेबू का और भी बहुत सारी फिल्में हैं, डोली जिसे मैंने खुद ही प्रोड्यूस किया है, बहुत प्यारी फिल्म है डोली। थैंक यू वेरी मच। मैम, 5 फिल्में और 5 अलग अलग स्टार, आप 5 स्टारों में से कोई भी स्टार ऐसा नहीं है कि मैं इनको सिलेक्ट करूं, बट एवरीबॉडी इज़ वेरी गुड, ऑसम दिया, और कोई किसी को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते। और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस वक्त यहाँ मौजूद हूँ और मुझे इस मुहूर्त का, इस खूबसूरत से समय का हिस्सा बनाया गया। बाकी में जो स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ कि दिनेश जी ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सब लोग हंसने लगे, तालियां बजाने लगे, बाकी जी को उन्होंने आमर पाली कहा, बाकी जी कुछ ऐसा था? ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, लेकिन लोग खिंचाई करना चाह रहे थे इसीलिए उसका नाम लिया गया है, और वो बहुत अच्छी सहेली हमारी। नो मिसअंडरस्टैंडिंग प्लीज, बोल्ड लेटर्स। वो आपको मजा लेने की आदत है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। डोंट डू दैट। हाँ, तो 7 सहेलियाँ फिल्मों में भी ऐसे ही, 7 सहेलियाँ फिल्म में भी ऐसा ही हुआ था। हमारे राज्य की फिल्म है वो, और राज्य का काम ही है कि फंसाते रहे हीरोज को, तो उन्होंने एक के पीछे एक 7 हीरोइंस को दिनेश जी के साथ में लगा दिया, और उसके बाद में आंसर हम करते रह गए कि सब ठीक है, ऑल इज वेल। लेकिन इस बार तो मुझे लग रहा है हीरोइनों ने सही में दिनेश भाई को स्टेज पे बता दिया। वो समय अब नहीं है, वो समय आपको सही में हीरोइनों ने दिनेश जी को स्टेज पर बता दिया था। आई होप, आई डोंट नो, नो कमेंट्स। नहीं, इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट आई थिंक, और जो भी इन्होंने जर्नी किया है कमेंडेबल, वो मतलब हम लोग तो छू भी नहीं सकते उसको, जितना इन्होंने काम किया है, जितना खूबसूरती के साथ दोनों पैर, मतलब जो जोड़ी हिट रही है, ओ माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। ये 5 फिल्मों में एक फिल्म फसल, जिसकी मैं हीरोइन हूँ, मेरे ऑपोजिट दिनेश जी हैं, और आई एम वेरी 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 थैंकफुल। मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे इतना पता है कि अच्छी फिल्में बन रही हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट फिल्म इंडस्ट्री, जहाँ अच्छी फिल्में बन रही है, पार्ट बन जाऊंगी जल्दी मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।